बहुत शुक्रिया अजीजो कलाम खुदा में से आज का जो टॉपिक है नोट फरमा लें ऐसा वक्त आएगा लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे और वो वक्त आ गया है वो वक्त आ गया है लोगों के अंदर सही तालीम की बर्दाश्त नहीं है जैसे नई नस्ल से आप देसी घी की बात करेंगे ना वो कहे नहीं स्मेल नहीं मैन अच्छी दे, तो जिन्होंने ने पुराने वक्तों खाधा होया वो फिर वेख लो डॉक्टर फ्री जिंदगी बसर कर रहे हैं बगैर डॉक्टर तो आप आज की नस्ल को देख लें उनको आप महीने में या क्वार्टरली आपको डॉक्टर के पास उन्हें लेकर ही जाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने खालस खुराक नहीं खाई फ्रोजन आर्टिफिशियल चीजें लोग खा रहे हैं मैंने पहले भी एक टॉपिक पर मुनादी की थी आपके दरमियान वक्त दरकार है उसमें मैंने बताया था कि वो सब्जियां जो सीजनल हैं वो हेल्थ के लिए अच्छी हैं वो फ्रूट्स जो पौधे या दरख के साथ पकते हैं वो उनका खुशबू और जायका ज़बरदस्त होता है और वो आपके लिए हेल्थ वाइज भी आपको बेनिफिट देता है फायदा होता है उसका लेकिन वो फूड वो खुराक जैसे आजकल आप देखें आम का सीजन है मैंगो वो उसमें वो रखते हैं चीज़ें क्या उन्होंने पंजाबी बोलते हैं पैल पान देने। मसालों के साथ उसे तैयार किया जाता है और जितनी चीज़ें इस तरीके से तैयार हो रही दुनिया में वो इंसानी सेहत के लिए जहर की तरह है मैं अपने टॉपिक की तरफ आना चाहता हूँ कि वो वक्त आ गया है जिसके बारे में रसूल यहां पर फरमाते हैं बल्कि उस वक्त भी था ये भी बात याद रखनी है कि ऐसा वक्त आएगा लोग सही तालीम बर्दाश्त ना करेंगे तो मतीयस को लिखते हुए वे पाल का दूसरा खात है चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत से हम पढ़ेंगे तीसरी आयत से लेकर पांचवीं आयत मुकदसा तक मुबशिर शर्जील शहजाद पढ़ने में हमारी रहनमाई फरमाएंगे ये रीडिंग जो है आज की मुकदस कलाम में लिखा है जी क्योंकि ऐसा वक्त आएगा क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे बर्दाश्त ना करेंगे बल्कि कानों की खुजली की बार्द कानों बार्द की के कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे बहुत से उस्ताद बना लेंगे चौथी आयत और अपने कानों को और अपने कानों को हक की तरफ से हक की तरफ से फेर कर फेर कर कहानियों पर मुतवज होंगे कहानियों पर मुतवज होंगे थैंक यू सर कलाम खुदा के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी इलाही बरकत सब कहे या ऐसा वक्त आएगा कैसा वक्त कि लोग सही तालीम बर्दाश्त ये वक्त तभी शुरू हो गया था पालूसूल के जमाने में दौर में रसूलों के दौर में यह वक्त शुरू हो गया था और अब यह वक्त रूज पकड़ रहा है उसकी जो इंतहा है ना जिस वक्त के बारे में पालूसूल यहां पर को लिखते हुए तालीम दे रहे हैं कि वो वक्त आएगा अब वो वक्त रूज पकड़ चुका है अरूज क्या पकड़ा है कि लोग जो हैं वो अपने मनपसंद यानी ऐसी तालीम जिसमें उनको फायदा ही फायदा है उसको वो पसंद करते हैं क्योंकि ये रिवाज है लोगों में कि लोग कलाम की उन आयात को पसंद करते हैं जो उनके मिजाज के मुताबिक है वो कलाम के उन हिस्सों को छोड़ देते हैं जो उनकी जिंदगी और शख्सियत को दुरुस्त करना चाहता है गुजर जाते हैं वहां से इवन बहुत सारे लोग उन्हें आयतें बड़ी याद हैं आपको बहुत सारे लोग बहस करने वाले तकरार करने वाले पास्टरों को चेक करने वाले लोग मिलेंगे गली महलों में और सब तो बहुत तहूँ थलॉजियन मरग घर मिलन गए जिथे फौतगी है ना उ कैसे कैसे हुके आइटम सिगर वाली आइटम सवाल कैसे कैसे करे और हैरान हो जाओगे कि एडे एडे थलॉजियन क्रिचियनिटी च भी है एडे एडे माहरे इलमे लाही दे माहरीन कृष्णच भी आगे ने गौर करें उन लोगों की हालत पर गौर करें जिन्होंने आयात को याद किया हुआ है लेकिन अफसोस के वो आयात उनके किरदार में नजर नहीं आती अच्छा किरदार में क्यों नहीं नजर आती क्योंकि अगर वो उनके करैक्टर में आ गई तो उनका करेक्टर ठीक हो जाएगा जिसको वो ठीक नहीं करना चाहते लोगों को कलाम याद है लेकिन उनका टेढ़ा पान नहीं जा रहा पुराने वक्तों में वो मुझे याद है हमारे घर में भी थी वो मंजिया पठ्ठे का वाण की बोलते पठे का वाण, एक हों दूसरा वाण, वाहन से कौजद ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਮੰਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਡਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਲਦੀ ਡਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਤ ਵੀ ہماری ਨੌਜਵਾਨ نسل ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਣ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਣ ਆ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਤੇ ਫਾਲਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਹਣਾ ਇਹਦਾ ਸੇਰੂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਖੋਲਣਾ ਉਹਦਾ ਸੇਰੂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾ ਵੀ ਆਸ ਰਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਉਸਕਾ ਸੇਰੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਣ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਾਣ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਾਣ ਨਿਕਲਨੀ ਪਾਉ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ और एक कान सिर्फ कलाम काट सकता है कलाम तो बगैर कान नहीं निकलने ये टेढ़ा पन आपका खत्म नहीं होगा आयात को याद कर लेने से या वो आयात जो आपके मतलब की या मतलब की तशरी आपने कर ली है वो आपको कभी फायदा नहीं होगा इसका कलाम जब आपके करेक्टर में आ जाएगा आपकी शख्सियत में आ जाएगा आपकी गुफ्तगु में कलाम नजर आएगा आपके आपके चाल-चलन में कलाम नजर आएगा तो फिर यह कलाम आपकी जिंदगी में काम भी करेगा नकली सुनने वाले और नकली सुनाने वाले नोट कर लें नकली आजू बाजू पादरी कईयां को तो भी नहीं गा सिर्फ विजिट कर देने ਦਿਸ਼ਟੀਕਾਰ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਅ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਇਹ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚੋ। ਔਰ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਨਹੀਂ ਆਜੂ ਬਾਜੀਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। और अपनी अपनी मर्जी की तस्री कर अफसोस ये जिसका काम है उसको करने दें इब्लीस यसुशी के साथ बहसो मुबासा कर रहा था और जो बातें कोर्ट कर रहा था वो कलाम की थी यसु ने चिट्टा जवाब देता के उनह भावे तेरा ही आ कलाम तेरा नहीं है ये जेदा कलाम है फपदा है अगर कलाम खुदा का है तो मुंह भी खुदा के खादम का होना चाहिए आजू बाजू का नहीं होना चाहिए या आजू बाजी होना चाहिए ये बड़ी सख़्त बातें हो सकती है लेकिन सुननी पड़ेंगी आपको मुझे कल एक बहन ने यूके से वो मुझे सुनते हैं सोशल मीडिया पर उसने मुझे एक वीडियो भेजी और मुझे उन्होंने कहा कि पासे साहब यह जेडे आजू बाजू है इन्होंने भी थोड़ी जी कोई गल करो मैं क्या जी कल ही हो जाएगी ही गल होगी इसलिए मैं आजू बाजू वाला मैसेज आज तेरे सामने रखे है लोग कहते हैं कपड़ों पर ही आ जाए हमारी बहनें नाराज हो जाती हैं जी चर्चिज तो मैनू ला ला के गलत तो फिर आप भाई आधार लिबास पहने मैं अमेरिका में भी उन खादमों को जानता हूं जो बगैर दुपट्टे के आने वाली खुवातन को कहते हैं कि आप हमारे चर्च में ना आए अगर आपने दुपट्टा नहीं लेना आप इमेजिन करें अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं यानी सच्ची तालीम आज भी मौजूद है दुनिया में और हमारे जो टीवी चैनल्स हैं हमारा मीडिया जो है उसने तो इंतहा कर दी है क्रिश्चियनिटी का फेस ही खराब कर दिया है शकल ही खराब कर दी है मसीही तालीम को बिगाड़ दिया गया है और जो सही तालीम देते हैं लोग उनको पसंद ही नहीं करते कहते ये तो हमें लगा लगा कर कलाम सुनाया गया और मैं अक्सर कहता हूं मक्खी सारा जिसम छड़ देगी जिथे ज़ख्म हो उथे जाके बहेगी तो कलाम ने जिथे लगना लगना ही लगना है नकली सुनने वाले मुझे एक प्रस्तार पूछता आजकल तो प्रस्तार भी बड़े एंटर हो गए हैं और मुझे कहते जी आजकल के प्रस्तारों के बारे में आपका क्या क्या ख्याल है जो कि मुझे म्यूज़िक से लगा हुआ है शर्जील साहब को पता है और मैंने काफ़ी म्यूज़िक के मुतल किताबें भी पढ़ी हैं मैंने कहा सुनने वाले बहुत बुरे हैं अगर सुनने वाले ठीक हो जाएं तो सुनाने वाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे नोट करें नकली सुनने वाले और नकली सुनाने वाले मसलन लोग उस चर्च में जाएंगे जहां पर उनकी मर्जी की तालीम दी जाती है एक आदमी पास्टर के पास आता है और पादरी साहब नु कह पाई साहब ਚਰਚ ਤੇ ਮਿਆਂ ਨਾ ਵਾਂ ਦਾਇਕੀ ਵੀ ਦਿਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾਇਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾਇਕੀ ਲਿਆ ਨਾ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਹੀ پاک ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦਾਇਕੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਡੀਲਰ ਉਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਸਹੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ बल्कि पासवानों को मैं यह कहता हूं आप जब लोगों का विजिट करें तो आखिरी विजिट समझ कर करें कि हो सकता है आपकी उस शख्स के साथ दोबारा मुलाकात ही ना हो इसलिए उसे दुरुस्त तालीम दें लोगों को धोखे में ना रखें लोगों को शुगर कोटेड मैसेजेस ना दें आज चर्च कलिस मसी का जलाल जाहिर करने से क्यों कासर है क्योंकि दुरुस्त तालीम नहीं है सुनने वाले भी नकली और सुनाने वाले भी चलो सुनाने वाले हैं वरी कह दो नकली सुन दी तो चलो ना बेचना आज सुनने वाले भी और हाँ वेरी गुड सुनाने वाले किज आवाज आई है कई लोग बार बार पूछते हैं ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਮਸੀਆ ਚ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੜਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ जिसने कलाम पर अमल करना है वो एक बार सुनेगा और उस पर अमल करेगा क्योंकि उसे पता है ये खुदा के कलाम की बात है बलाम बार बार जा रहा था खुदा के पास क्योंकि वो करना चाहता था खुदा की एक बार ना हमेशा के लिए ना है खुदा को दो वरी ना पूछा करो इकोवरी पूछा करो ये जो बार बार पूछने वाले लोग है ना जी भाई साहब दस्यो पान खाने चाहिए कि नहीं सिगरेट पीनी चाहिए कि नहीं शराब पीनी चाहिए कि नहीं ये जो बार बार पूछ रहे हैं समझ जाओ ये खराबी है ये लभण दया को गुंजायश कलाम पर आप डिबेट नहीं कर सकते खुदा का कलाम फाइनल है हतमी है अल्टीमेट है इसके आगे आप कोई नहीं कर सकते मैंने पिछले दिनों भी बताया था गैर मजहब के अंदर शादी करना बाइबल ने मना किया है यह हतमी है तो जब तुम फिर बार बार पूछो तो बोलो तुम करना चाहते हो तो फिर कर लो जो आपका जी चाहता है कलाम ने जब मना किया है تعلیم موجود ہے تو پھر اپ بحث کیوں کرتے ہیں بار بار کیوں پوچھتے ہیں کیونکہ اپ بلیک کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں کہو بلیک منی نو وائٹ منی پاکستان چ ہے نا رزر او جتے لوگ گوشوارے جمع کراندے ہیں نا تے وائٹ تے بلیک دیاں گلاں کردے نے اے جی وائٹ اے سارا وائٹ تو مراد بھی میں اپنے گوشوارے यानी ब्लैक मनी लाके बॉयज ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है ब्लैक मनी लेके उसे वाइट करने की कोशिश करते हैं ये वाइट और ब्लैक वाला धंधा छोड़ दो जो कुछ कलाम ने कहा है उस पर अमल करो सादगी के साथ खुदा बरकत देगा खुदा सरफराज करेगा खुदा कमी नहीं आने देगा दुनिया की सबसे खालस चीज खुदा का कलाम है नोट करें कौन सी चीज है खालस और कहीं तो कहते ना माँ का प्यार बड़ा खालस है ए माँ के प्यार तो भी ज्यादा खालस है <laughs> ये खुदा का कलाम है क्योंकि खुदा के अंदर फिदराना माँ और बाप दोनों की मोहब्बत और शफकत मौजूद है दुनिया का सबसे दुनिया की सबसे खालस चीज खुदा का कलाम है इसे ब्लेंड करें आप शेक बनाते हैं ना मिल्क शेक आप उसमें दूध डालते हैं आप उसमें सेब डालते हैं या आम डालते हैं या केला डालते हैं खूब ब्लेंड करते हैं खूब ब्लेंड करते हैं और जैसे ही उसको फिर आप ग्लास में डाल के सिप लगाते हैं तो आप कहते हो तो वाह 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 मजा आ गया होर दो होर दो जब कलाम ब्लेंड हो जाएगा आपके दिलों में उतर जाएगा फिर आप कहेंगे हाँ कलाम में बड़ी कुदरत है कलाम में बड़ी बरकत है कलाम में बड़ा मज़ा है फिर आप बार बार नहीं पूछेंगे मुझे यह करना चाहिए या ना चाहिए मुझे यहां जाना चाहिए या ना क्योंकि कलाम आपके अंदर है अब आप उसका जो लुत्फ है आपका जो टेस्ट है वो डेवलप हो चुका है कलाम में फिर आप इस तरह की बहस नहीं करेंगे फिर आप कलाम को ऑनर देंगे और आज लोगों ने मसीही तालीम को बिगाड़ दिया एक टॉपिक मैंने आपके दरमियान शेयर किया था यू हैव टू डिसाइड यू मस्ट डिसाइड टू लिव होली लाइफ नॉट जस्ट डिजायर सिर्फ ख्वाहिश नहीं करनी कि मैंने पाक जिंदगी पाकिस्की की जिंदगी बसर करनी है बल्कि डिसाइड करना पड़ेगा कई डिजायर करते हैं मेरे को आने के दुआ करा भाई सब मैं रूहानी तौर तो पर तरक्की करना दुआ करो मैं तो दुआ करा दड़ी रूहानी लेकिन रूहानी तरक्की लिए फैसला तुम्हें आपे ही करना है खुदा की पिक्चर लोगों ने खराब कर दी है जो कॉन्सैप्ट है तस्वरे तो खुदा लोगों ने खराब कर दी है प्रोस्पैरिटी प्रीचर प्रोस्पेरिटी प्रीचर पाकिस्तान में भी हैं और दुनिया भर में हैं बड़े बड़े नाम हैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। प्रोस्पेरिटी प्रीचर प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल इसमें यह पिक्चर दिखाई जाती है आप जैसे भी हैं खुदा आपको प्यार करता है आप जैसे भी हैं आप गुनेगार हैं आप शराबी हैं आप यह करते हैं आप जना करते हैं आप चोरी करते हैं आप ठग हैं आप जो भी हैं खुदा आपको प्यार करता है दैट्स गुड लेकिन खुदा मुनसिफ भी है खुदा अदालत भी करता है जस्टिस आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना जरूर है ही जस्टिस वो मुनसिफ भी है वो प्यार भी करता है लेकिन वो अदालत भी करता है खुदा का जो तस्वर है आज के प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल प्रीचर जो है उन्होंने खराब करके रख दिया शराब बेचो तुशी ठगिया लाओ बदा यकी लो खुदा दान बरकत देगा हर गिज ऐसा नहीं है फिर खादमों को मैंने देखा है ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਕਮਾਂਜ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਕੇਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਮੈਂਬਰ ਇਦਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਖਾਦਮ ਹੋਰ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ खादम का असल काम कलाम की मुनादी करना है ले मुझे कोई रास्ते में भी मिल जाए हम उसके साथ गुफ्तगु शुरू कर देते हैं ट्रेवल में मार्केट प्लेस पर किसी भी जगह बाजार में जाए वहां पर हम गवाही देते हैं कई दफा अपने किरदार से भी गवाही देनी होती है कई दफा हम गुफ्तगु करके लोगों को बता रहे होते हैं तो खादमों के लिए मेरा मैसेज है प्लीज आप ये गिरित-गिरित के कामों पर तवज्जो ना दें आप कलाम पर तवज्जो दें कलाम ध्यानंदारी से सुनाएं क्योंकि आपका असल काम कलाम सुनाना है अब कलाम सुनाए पीआर खुद ही बन जाएंगे मुझे दुनिया भर से दावतें आ रही हैं मैं किसी नु गुलदस्ते नहीं भेजता मैं सिर्फ कलाम दे गुलदस्ते ही देना लोकां नु मेनू लोगां दी बर्थडे दी इनी फिक्र नहीं है मेनू सिर्फ कलाम सुनाण दी फिक्र है पास्टर का असल काम इंजील सुनाना है लेकिन अपने कानों को हक की तरफ से फेर लेंगे खौफनाक खौलनाक बात है मन घड़त तालीमांत कौन सी तालीमान मन घड़त मोमबत्तियां मोमबत्तियों वाली भी इबादत है वेखी है कितने हाँ, हाँ लोग करते हैं कोई मंगल को कोई बुद्ध को, कोई पत्नी कौन कौन से डेज में अजीब किस्म की और मैंने एक दिन पहले भी बताया था बाइबल में हाथ जोड़कर दुआ करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बाइबल में हाथ उठा के दुआ करने का कॉन्सेप्ट है बताया था ना हाँ बाइबल में ये तो लिखा है हाथ उठा के दुआ करो हाथ जोड़ के दुआ करो ये नहीं बाइबल से लिखे आया हम शुक्र करते हैं क्रिसमस की सारी सेलिब्रेशंस के लिए क्योंकि ये मसीह दुनिया में आए हैं लेकिन क्रिसमस को भी लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे क्रिसमस ट्री बजाते ख़ुद बुरी चीज़ नहीं है अगर आपके घर में है तो शुक्र है अगर नहीं है तो ये ना कहे ये लाजमी है ठीक है ये अच्छी चीज है अच्छा सिंबल है सिंबॉलिक हो सकता है आप रूहानी तशरी की कर सकते हैं लेकिन ये लास्ट भी नहीं है मरकज यू है अले लोहिया सान्टा क्लास जैसे है उसके लिए भी शुक्र है अगर वो बुजुर्ग बढ़ के और वो सांता वाला लिबास पहन के बच्चों में टाफियां तकसीम कर रहा है तो अच्छी बात है वो कड़ा चरस दियां ट्राफिया देता है लोगों को अच्छी बात है ना बच्चे खुश हो जाते हैं लेकिन लाजमी नहीं है कि जी आप कहें जी वो जरूरी है हमें यीशु मसीह जो मरकज है उसकी प्रसिश और इबादत करनी है यह तालीम है क्रिसमस की मसीही तालीम जो है गलत और दुरुस्त को समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है जो वीडियो एक बहन ने मुझे भेजी उसमें वो टेंड पाई ने की थी हुई है पीछे ढोल जहा वजदा टाटा 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 है कि वो इतना जबूर इतनी दफा पढ़ लो ये नमक वाला पानी मैंने मसा कर दिया है ये उसके सर में डाल दो वो ये हो जाएगा इस तरह की वो वीडियो है खैर मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं की मुझे पता है ये हो रहा है दुनिया में झूठी तालीमात और सबसे ज्यादा झूठी तालीमात जो है आजकल ये जो ग्रुप बने हुए हैं ना जूम पर और इस पर बहुत ज्यादा झूठी तालीमात लोगों को दी जा रही है लोग मासूम है परेशान है लोग सवालत करते हैं सर ये क्या है ये क्या है इसकी ऐसी बात कर रहे हैं ऐसी बात कर रहे हैं इस तरह की तालीम दे रहे हैं मैं गौर कर रहा था कि फैनिया मिसाल के तौर पर मैं फैनियल को कहता हूँ कि ये 500 का नोट है 500 का नोट लेकर मैं एक गत्ते के ऊपर रखता हूँ और मैं उसकी कटिंग कर लेता हूँ और मैं ले देना 500 हंड्रेड आर एस रुपीस एक साइड की फोटो भी बना देना और मैं फैनी को कहता हूँ फैनियल गत्ता है वो ये लो 500 सौ का नोट है जाओ बर्गर खा लो ये कहेगा पापा ये तो गत्ता है ये असली नहीं है ये झूठी तालीम ही है भैया इसके ऊपर थैंक यू बेटा बैठो इसके ऊपर जितना मर्जी आप कहते हैं जी ये, 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 ये असली असली है बाइबल की तालीम दुरुस्त दी जाए और जब दुरुस्त तालीम दी जाएगी तो लोगों के किरदार भी ठीक हो जाएंगे और आज बड़े अफसोस के साथ के लोगों को दुरुस्त तालीम नहीं दी जा रही फुल गॉस्पल मन घड़त मगरब से आई हुई द्रामद शुदा डॉक्ट्राइन और तालीमात और थियोलॉजी सेल्फ मेड मिशनों की मुझे खाली को कह रहा था कि वो हमारे अजीज़ हैं मॉर्मन हैं वो फैसलाबाद में हैं तो वो कहते जी हम आना चाहते मैं उन्होंने भी लेके आए हो ताकि वो भी कलाम की तालीम को सुने वो भी सच्चाई को सुने बस सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तो मैं आज़ाद करेगी अवसरों को झुकाएँ और मिलकर हम दुआ करें और तोफीक तो मांगे कि खुदा मेरे कान हमेशा सच्ची तालीम सुने कानों की खुजली के बायस ना तो मैं शुगर कोटेड मैसेजेस पसंद करूं ना मन घड़ तालीम की तरफ जाऊं ना झूठे खादमों की तरफ जाऊं ना प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल सुनूं प्रॉस्पेरिटी प्रीचर ये कहते हैं कि आप पर कभी मुसीबत नहीं आएगी आप कभी दुखों में से नहीं गुजरेंगे कलाम कहता है कि तुम दुखों में से गुजरोगे लेकिन मैं तुम्हें तो कभी छोडूंगा ना मैं तुमसे कभी दस ना न हूंगा और फरमाता है मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं है